स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं परयूजिंग मैथ्स में। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। दो टाइप के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें क्या डिफरेंस है ये हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ से हम चीज़ शुरुआत करते हैं और देखते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। पहली बात तो ये है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत छोटा सा और आसान टॉपिक है। अगर आसान है ये टॉपिक तो सबके लिए होगा, तो हमें क्या करना है अलग, हमें इस आसान से टॉपिक को और आसान बनाना है ताकि आप औरों से अलग हो जाएं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर मैं बैंक से 1000 रुपये का लोन लेता हूं तो वो लोन पे बैंक वाले कुछ इंटरेस्ट लगाएंगे। मान लीजिए 10% का उन्होंने इंटरेस्ट लगाया 5 साल के लिए, तो जो लोन मैंने लिया 1000 रुपये, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल, या इसे सम भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं। और जिस रेट पे उन्होंने हमें लोन दिया है उस रेट को ही हम इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। अगर 10% का इंटरेस्ट लगा है तो हम इसे रेट कहेंगे या फिर हिंदी में दर, और जितने टाइम के लगा तो वो हमें टाइम हो जाएगा। मान लीजिए 3 इयर्स के लिए लगा है। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है दोस्तों कि 1000 रुपये 10% की ब्याज पे हमने 3 साल के लिए लिया है, मतलब 1000 रुपये पे पहले साल 10% ब्याज लगा, मतलब 100 रुपये। इसी 1000 पे अगले साल भी 10% लगा, मतलब 100, और तीसरे साल भी 10% लगा 100। तो 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और ये जो है हमारे वो इंटरेस्ट है जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। 300 रुपये का 3 साल में इंटरेस्ट लगा, तो जो अमाउंट होगा दोस्तों, अमाउंट जो मुझे पे करना होगा 3 साल बाद बैंक को, वो क्या होगा कि जो प्रिंसिपल था और जो इंटरेस्ट लगा वो अमाउंट मैं बैंक को पे करूँगा। तो यहाँ 1000 + 300, मतलब 1300 रुपये। ये बात हुई हमारी अमाउंट की, इतना रुपए 1000 पे 3 साल पे 300 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इससे आगे जो बातें होंगी वो हम क्वेश्चंस के जरिए सीखते समझते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अब देखते हैं दोस्तों, बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि इन व्हाट टाइम ₹500 बिकम्स ₹625 एट 5% पर एनम। ये पीए हम हमेशा पर एनम के लिए यूज करेंगे। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, 5% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक राशि कितने समय में 500 से 625 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 500 जो है हमारा प्रिंसिपल है यानी मूलधन, और ये बन जा रहा है 625। कैसे बन रहा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ जा रहा है तब ये इतना बन रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट, यानी कि मिश्रित धन। तो अब हम इंटरेस्ट की बात करें कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा
कि जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अमाउंट है 625, प्रिंसिपल है 500, मतलब 125 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखिए 500 रुपए पे 5% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25। ये है हमारा इंटरेस्ट। लेकिन ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो एक साल का आया है, इंटरेस्ट असल में हमारा कितना है 125। तो एक साल में 25 है, तो 125 पहुंचने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, यही हमारा क्या है, ईयर। यही हमारा है ईयर भी है। 500 पे एक साल पे 25 इंटरेस्ट लग रहा है, 125 कितना लगेगा, तो 25 से 125 आने में 5 से इंटू करेंगे, यानी कि 5 साल। ये हमारा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीका है। जब कभी हमें परसेंट की वैल्यू होल नंबर नहीं दी होगी, नहीं दे, तब हमें किस मेथड से करना है कि 5%, मतलब 1/20। ये है हमारा प्रिंसिपल और ये है सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। हम परसेंट की वैल्यू को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करें तो ये है 20 और इंटरेस्ट है 1। प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना है, 500। प्रिंसिपल 500 है, मतलब कि कितना हो रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 25। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 25। एक साल का इंटरेस्ट 25 है, क्वेश्चन में बोला है 125 हमारा टोटल इंटरेस्ट है, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई किए और ये हमारा है ईयर, ठीक है। ऐसे करना है जब कभी हमें कैसा परसेंट की वैल्यू दी हो, फ्रैक्शन में होल नंबर ना दिया हो। पहला क्वेश्चन था, मैं शुरुआत से बेसिक से आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग में से कई लोग हैं जो अभी अभी इन चीज़ों को शुरू किए हैं पढ़ना, इन लोग पहले से कुछ ज़्यादा मालूम ना हो। आप में से कई लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं ज़ीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन था बेसिक्स, और इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हुए पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि एट व्हाट रेट पर एनम ऑफ एसआई अ सम बिकम 2 times इन 10 years, 10 साल में किस रेट पे, किस दर पे हमारा प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल 2 गुना जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा एसआई भी जुड़ रहा है। ये जो हमारा 2P है वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई है। मतलब कि हम अगर देखें कि ये 2P और P में, प्रिंसिपल तो हमारा P था, ये बन रहा है 2P, मतलब कि एसआई हमारा कितना है, P। यहाँ से हमें एक चीज़ सीखनी है कि 2 गुना जब हमें बोला कि हमारा सम हो गया है तो एसआई आया है P। 4 times जब हमें बोलेगा तो एसआई आएगा हमारा 3P, क्योंकि उससे P माइनस होगा। 10 times बोल रहा है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट हो रहा है वो 9P होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना टाइम्स बोल रहा है उससे 1 माइनस करेंगे वो हमारा एसआई होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 गुना हो रहा है 10 साल में। अगर हम मान लें कि हमारा प्रिंसिपल है 100, तो एसआई कितना है हमारा, जितना प्रिंसिपल था उतना ही हमारा एसआई आया है, मतलब एसआई भी कितना होगा, 100। टाइम कितना बोला है, 10 ईयर। 10 ईयर में, अब देखिए 10 साल में हमें 100 रुपये इंटरेस्ट मिला है, तो 1 साल में कितना होगा,
एक साल में कितना हो जाएगा? 100/10, मतलब कि 10 रुपीज एक साल में 10 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है 100 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%। और ये है हमारा आंसर, ठीक है। 100 का 10% ही तो 10 रुपए देगा। तो इस चीज को हमेशा या आप ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं करना है कि प्रिंसिपल में हमें कितना जोड़ना है ऐसा ही आएगा, नहीं। जितना भी टाइम्स बोला है हुआ है उससे एक कम हमारा ऐसा ही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स की जगह 7 टाइम्स दिया होता तो हमारा जो प्रिंसिपल है 100 है, तो ऐसा ही 7 से कम हो जाता, तो यहाँ हम इसे 600 रख लेते। और फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करते कि 10 साल में 600 हो रहा है तो 1 साल में 60 हो जाता, मतलब कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता वो आता 60%। ऐसे बढ़ना है, ठीक है। नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 800 रुपये 920 हो जाता है 3 साल में, अगर 3% का इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए उस रेट से। तो अब नया अमाउंट हमारा क्या होगा, मिश्रित धन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि पहले हमें फाइंड करना होगा कि हमारा ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना था। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है SI, 920 हो जा रहा है 800 से, मतलब कि 120 रुपए हो रहा है कितने में? 3 साल में। तो यहाँ से क्या आया? 40 रुपए 1 साल का। 800 रुपए पे 40 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल में। ये हमारा प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट है। तो 800 का 40 रुपए कितना हो जाएगा? 5%। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। क्वेश्चन ने आप क्या बोला कि नया जो है वो 3 ज्यादा हो रहा है, इसलिए नया जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? 8%। 8% क्या होता है? 2/25, यानी कि हमारा 25 अगर प्रिंसिपल है तो ये है इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात हम करें तो 25 के प्रिंसिपल पे 1 साल का 2 लग रहा है, 1 साल का 2 लग रहा है, तो 3 जो हमारा साल है इस 3 साल पे कितना हो जाएगा? 6। अब 25 जो हमारा प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में बोला है कि वो है 800 रुपये। प्रिंसिपल हमारा 800 है, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 32, ठीक है। 25 × 70 कीजिए 25 × 30 कीजिए 750 आएगा, 50 और ऐड करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 32 है, इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 192 रुपीज। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमाउंट हमारा कितना होगा, तो प्लस कर दीजिए और अमाउंट आ रहा है 992 रुपीज, 992 रुपये अमाउंट होगा जब 3% और इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में हमें प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट है वो फाइंड करना जरूरी था? नहीं था जरूरी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है कि ये हो रहा है क्वेश्चन में, लेकिन करना ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट पहले लग रहा था उसके कारण उसे 3 साल में 920 रुपये मिले हैं। अब 3% जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों इंटरेस्ट रेट में, वो लग किस पे रहा है? प्रिंसिपल पे ही लगेगा हमेशा, यानी कि 800 रुपये पे जो एक्स्ट्रा 3% लग रहा है वो हमें कितना देगा? 24 रुपीज पर ईयर। 800 पे 3% जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो 1 साल में 24 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो
तीन साल में कितना देगा ये, मल्टीप्लाई कीजिए इससे, ये हो जाएगा 72 रुपीज़। तो 3% जो एक्स्ट्रा लगा है उसके कारण 72 रुपीज़ जो हमें मिली है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो हमारा अमाउंट कितना होगा, पहले था 920, इंक्रीज परसेंट होने पे हमें एक्स्ट्रा जो मिला वो इसमें ऐड होगा और ये हमें देगा 992 रुपीज़। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, कि हमें कौन सा सम यानी प्रिंसिपल 4% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे 6 महीने में SI देगा 300 रुपये, 300 रुपये का ब्याज हमें मिलेगा 4% पर एनम और टाइम है 6 महीना। तो हमें प्रिंसिपल जब फाइंड करना है तो 4% उसे बोला है 1 साल का, है ना। टाइम जब 1 साल है तो रेट है 4%, लेकिन टाइम कितना है, 6 महीना, यानी कि टाइम हमारा है हाफ ईयर, 6 महीना हाफ ईयर हो गया। जब टाइम हमारा आधा है, ये पर एनम है, प्रति वर्ष है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2%। ठीक है, 2% के रेट हमें 300 रुपये दे रहा है, तो 1% कितना देगा, 150। तो 100% कितना होगा, 15,000। ठीक है, आ गया आंसर। ये नहीं तो क्या नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 2% का हमें रेट मिल रहा है, मतलब कि अगर 50 हमारा प्रिंसिपल है तो ये हमारा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा, 300, एक की वैल्यू 300 है, तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। ठीक है, ये तरीका मैं आप ही लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का टाइम खोटी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहे हैं, प्री के एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा बेसिक क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ये जो क्यूट सा 4% दिख रहा है वैसा ना दे, कुछ और चेंज कर दे। और ऐसा अधिकतर हो रहा है अब CPO के एग्ज़ाम्स में, तो आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक आदमी जो है वो लोन देता है 6% पर एनम SI पे, लेकिन क्या करता है वो हर साल 0.5% का जो रेट में इंक्रीज करते जाता है और 4 साल के एंड में वो 2700 इंटरेस्ट मिलता है उसे, तो हमें सम फाइंड करना है प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 4 साल में हर साल वो जो इंक्रीज कर रहा है वो 0.5 का करते जा रहा है, मतलब पहले साल 6% था, 0.5 इंक्रीज करेगा दूसरे साल इतना, तीसरे साल 7% और चौथे साल 7.5%। तो 4 साल में जो टोटल इंटरेस्ट जो लगाया उसने कितना लगाया है, 7, 6, 13 और 14, 27% का। ठीक है, 27% का ओवरऑल उसने इंटरेस्ट लगाया है, तो 27% है हमारा 2700, तो 1% हमारा क्या हो जाएगा, 100। तो 100% मतलब 10,000 रुपये आंसर हमारा। ठीक है, 10,000 रुपये पर उसने ऐसे ऐसे लगाया है परसेंट। ये जुड़ के हम ओवरऑल क्यों ले रहे हैं दोस्तों, जब मैंने जब शुरुआत की थी क्या बताया, 3 साल पे 1,000 रुपये पे 3 साल पे अगर हम 10% का ब्याज ले रहे हैं,
तो कितना हो रहा है वो 100 100 100 यानी 300 रुपए का इंटरेस्ट लगा था। तो 100 रुपए पे जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो कितना है 30% हो रहा है। ये तीनों परसेंट आपस में जुड़ के 30% दे रहे हैं रिजल्ट एट इंटरेस्ट, वही चीज यहाँ हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहा बा कि एट ए सर्टेन रेट पर एनम एसआई एक सम जो है वो क्या हो जाता है 2100 कितने टाइम में 2 साल में और 5 साल में, वही चीज हो जाता है 2250। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चीज है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है यहाँ हमें अमाउंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे हमें परसेंट दे देगा, ये प्रिंसिपल दे देगा। तो वहाँ से हम अगर देखें कि 2 साल में इतना अमाउंट है, 5 साल में इतना हो रहा है, तो ऐसा है कि अगर हम बात करें तो 2250 5 साल में दिया और 2100 2 साल में, यानी कि 51150 कितने में दे रहा है 3 साल में इंटरेस्ट दे रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 50 रुपए। ठीक है, लेकिन अमाउंट से इंटरेस्ट हमें घटाना है। पहला हमें क्या दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट दिया है 2 साल का, तो 2 साल का हमें इंटरेस्ट हटाएंगे तब हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 1 साल का 50 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 100 रुपए। 2 साल में 100 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला, तो प्रिंसिपल कितना है 2100 माइनस 100 मतलब कि 2000। 2000 प्रिंसिपल पे 1 साल में 50 का हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 2000 पे 1 साल में 50 का इंटरेस्ट मिल रहा है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये है 2000 पे 50 रुपये मिल रहा है। प्रिंसिपल हमारा आ चुका है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कितना होगा ये 2.5% आंसर। ठीक है, 2000 का 1% आप निकालेंगे, 2000 का 1% निकालेंगे ये आएगा 20। तो 20 को 50 करने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि एक सम है 1000 रुपये, वो क्या किया गया है कि पार्शियली 8% पर एनम और पार्शियली 10% पर एनम में दो हिस्सों में उसे उधार दिया गया है, लेट दिया गया। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन होल सम इज ₹92, दोनों पार्ट पे अलग अलग इंटरेस्ट लग रहे हैं, लेकिन वो जो सम हो रहा है 1000 रुपए पे वो कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 92। तो हमें फाइंड करना है दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो अलग अलग परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे तो अलग अलग हिस्सों में चीज़ों को उधार दी गई, लेकिन जो ओवरऑल आ रहा है वो कितना आ रहा है 92 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो रहा है, फायदा नहीं इंटरेस्ट हो रहा है। 1000 रुपये पे 92 से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रेट क्या होगा इंटरेस्ट रेट, ये तो जो 0 जो है वो तो कट जाने हैं 100 से, एक 10 यहाँ है मतलब 10 यहाँ आएगा, मतलब कि हमारा 9.2% रेट हो गया। समझ आया क्या कि 1000 रुपये पे 92 रुपये मिल रहे थे इंटरेस्ट, जब इसे परसेंट में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 2 0 100 से कट जाएंगे, 10 यहाँ बच रहा है, तो ये वो आ जाएगा एक पॉइंट में 9.2 आ गया रेट। अब दो अलग अलग हमें इंटरेस्ट रेट दिए हैं और एक दिया है ओवरऑल या एवरेज इंटरेस्ट रेट। मैंने आपसे क्या बोला है कि जब दो अलग अलग चीज़ें दी हुई हो और उनका एक एग्रीगेट वैल्यू दिया हो तो हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना है
एलिगेशन लगा देना है, बस एलिगेशन लगा दीजिए। 8% 10% ओवरऑल है, 9.2% मतलब कि ये 8 और ये 12 पॉइंट को बोलिए गोली मारिए, क्यों करना है हमें पॉइंट नहीं करना है कि काटी है, ये आया 2 और ये आया 3, एक पार्ट है 2 एक पार्ट है 3। 5 की जो वैल्यू है वो है क्वेश्चन में 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है, अलग अलग पार्ट कितने हो जाएंगे, 1 की वैल्यू है 200 तो ये हो गया 400 रुपये और ये हो गया हमारा 600 रुपये। आ गया आंसर, अगला उससे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि एक सम को अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेट पे दिया गया है, कैसे कि 40% जो सम का हिस्सा है वो 15% पर एनम पे दिया गया है, 50% ऑफ द रेस्ट जो बचा है उसका 50% 10% पर एनम पे दिया गया है और जो उसके बाद बचा है वो 20% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से दिया गया। फिर व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जब इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन होल सम, पूरे जो सम है उस पे जब हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आएगा इंटरेस्ट रेट। इजी सा सवाल है, बस कैलकुलेशन का इसमें खेल है, हमें देखना है। तो आए देखें कि इतने सारे प्रतिशत में हमारा प्रतिशत कितना प्रतिशत है, क्या बोला है क्वेश्चन में 40% दिया गया है 15% के रेट। अगर हम मान लें कि हमारे पास 100 रुपये था मूलधन, प्रिंसिपल 100 रुपये था, 100 रुपये में 40% यानी कि कितना 40 कितने पे दिया गया है 15% पे, बचे कितने दोस्तों, 100 में 40 दे चुका है तो बचे हैं 60, ये 0 अच्छा से बनाएंगे। हाँ, इस 60 में क्या किया कि 50% जो दिया गया है वो कितने पे दिया गया है 10% के, यानी कि 60 का 50% कितना होगा 30, ये 30 हमें 10% पे दिया गया है और बचा कितना 60 में 30 हो गए तो बचे भी हैं 30, ये दिया गया है 20% पे। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें 40 का 15% होगा 6, 30 का 10% होगा 3 और 30 का 20% होगा 6, इन तीनों को ऐड कर लीजिए यानी कि 15% आया हमारा फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब उन सारे सम को जो अलग अलग पार्ट के दिए गए उनका एक इफेक्टिव अगर हम बोले कि इंटरेस्ट कितना हुआ 15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि एक पर्सन ने मनी इन्वेस्ट की है 3 अलग अलग स्कीम्स पे, कैसे 6 साल 10 साल और 12 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 10% 12% और 15% रेस्पेक्टिवली, मतलब 6 साल के लिए 10%, 10 साल वाला 12% और 12 साल वाला 15%। जब कंप्लीशन हो गया ये जो हमारा था स्कीम का तब क्या हुआ कि ही रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कीम, तीनों के स्कीम में जो इंटरेस्ट मिला है वो इक्वल है बराबर है। फाइंड क्या करना है हमें कि कितना उसने इन्वेस्ट किया है तीनों स्कीम में उसका रेशियो। तो दोस्तों तीनों ही केस में हमारे जो इंटरेस्ट है वो इक्वल है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PRT/100, इक्वल है तो जो 100 है वो तो कैंसिल हो गया, मतलब क्या होगा P1 R1 T1 ये P2 R2
T2 P3 R3 T3 तीनों इक्वल है। पहले केस में क्या हुआ है कि 6 साल के लिए 10% पे है, दूसरे केस में 12 साल के 12% है 10 साल के लिए, और तीसरे में क्या है 15 × 12। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेट थे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए यहाँ से, तो ये क्या आ रहा है 60P1, ये कितना हो रहा है 120P2, और 15 × 12 180P3। ये जब कैंसल हो रहे हैं तो P1 = 2P2 और 3P3 ये आ गया। चीजें आपस में इक्वल है, तो अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हम रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 1, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 6 है, तो P1 हमारा कितना आ गया 6, P2 कितना आ गया 3, और यहाँ 3 है तो ये आ गया 2। ये हमारा आ गया रेशियो। कैसे आया, इक्वल करने के लिए हमने 1, 2 और 3 का एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने से हमने यहाँ कंपेयर किया और ये आया हमारा आंसर। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते थे कैसे कि यहाँ जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिए हुए हैं उनको सीधे हम कैलकुलेट करें और रेशियो निकालें, लेकिन इसमें समझ ज़्यादा आता है कि हो क्या रहा है, इसलिए इसी तरीके से कीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। पहला जो स्टेज है वो तो बताने के लिए आप इसको स्किप कर लीजिए, यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि 9300 रुपीज़ को डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स दैट अमाउंट ऑफ इच पार्ट एट 10% पर एनम। ये 10 है ना, 20 मत समझ लीजिएगा इसे, 10% है। 10% पर एनम में 2 साल, 4 साल और 5 साल के लिए जो अमाउंट मिल रहा है वो सेम है, हमें तीनों पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, कि इतने रुपए को इंटरेस्ट सेम है लेकिन अलग अलग टाइम के लिए डिपॉजिट किया है, और उससे जो अमाउंट मिला है मिश्र धन वो सेम मिला है। ठीक, कैसे होगा ये क्वेश्चन, 10% की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1/10 होगा 10%, 10% हमारा होगा 1/10। ये अगर प्रिंसिपल है तो ये हमारा इंटरेस्ट है एक साल का, हमें एक साल का मिल रहा है 1 रुपए, तो 2 साल, 4 साल और 5 साल पे कितना मिलेगा, 2, 4 और 5 रुपए। तो अमाउंट कितना होगा हमारा 10, सब में ऐड हो जाएगा, तो ये 12, ये 14 और ये 15। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये तीनों ही अमाउंट आपस में इक्वल हैं, दिख नहीं रहे हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 420, 420 इसका एलसीएम होगा। तो अब क्या आ रहा है हमारा रेशियो, क्या आएगा 420 12, यानी कि ये आएगा 35, ये कितना आएगा 30, और 15 कितना हो जाएगा 30 से 450 से 30 का मतलब 28। ये आ गया हमारे प्रिंसिपल के रेशियो। जब ये आ गया हमें, इनका सम जो है वो है 93 और 35 + 30 = 65 + 28 = 93 क्वेश्चन में कितना है 9300, तो 1 यूनिट यहाँ से आ गई 100। 1 यूनिट जब 100 है तो क्या करना है, तो 0 सब में लगाते जाइए और आंसर निकालते जाइए। ठीक है,
आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जिसपे 4 साल के लिए 33.13% पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 2000 रुपए ज्यादा है, मोर है कि सिर्फ प्रिंसिपल से। फाइंड द सम, हमें सम फाइंड करना है। तो मैंने जो पहले एक दो क्वेश्चन में आप लोगों को परसेंट का फ्रैक्शन का यूज करना बताया था, वो इसलिए बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप 100 से जाओगे तो 100 का 33.13% होगा 33.33, फिर 4 साल के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे और दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर 3 प्रिंसिपल है तो ये हमारा इंटरेस्ट है पर ईयर, ठीक, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, ये 3 है। 1 साल का 1 रुपये है, ऐसा ही है, 4 साल का तो कितना हो जाएगा, 4, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एसआई 2000 रुपए ज्यादा है, जब ये 2000 रुपए ज्यादा है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 रुपए, ठीक, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि एक आदमी है वो क्या किया कि कुछ मनी बोरो किया, उधार लिया एट द रेट ऑफ 6% फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल के 6% का ब्याज लगा, 9% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल में 9% का लगा है इंटरेस्ट और 13% पर एनम फॉर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल तक का तो है, उसके बाद जितने भी साल के लिए उसका जो ऋण चल रहा है, जो उधार लिया है वो 13% पे चल रहा है। इफ ही पेड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹8160 एट द एंड ऑफ 11 ईयर, देन फाइंड द मनी बोरोड बाय हिम, 11 साल के बाद उसने उधार चुकाया और इंटरेस्ट कितना पेड किया, 8160, कितना उसने मनी बोरो किया है ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा ये तब फाइंड होगा जब हम अलग अलग जो रेट है उनका टोटल इफेक्ट क्या हुआ है इंटरेस्ट पे, नेट या इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ है वो फाइंड होगा, तब हम इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम, ओवरऑल से, ओवरऑल कितना उसका इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पहले 3 साल के 6% उसने लिया है, मतलब 18% हो जाएगा, अगले 5 साल के लिए उसने 9% पर लिया है तो ये हो जाएगा 45%, उसके बाद 13% का लग रहा है, कितने भी 8 साल के बाद जितना भी है, और 8 साल के बाद और कितना लिया हमने टोटल 11 ईयर्स में, 8 साल चले गए, मतलब 3 साल के लिए 13% पे, मतलब 39%। तो ओवरऑल जो उसका इंटरेस्ट रेट आया है वो होगा इन तीनों का सम, मतलब कि 102%, ठीक। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो इंटरेस्ट हमारा 102 है, 100 प्रिंसिपल 102 इंटरेस्ट। इन क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट उसमें कितना 8160 इतना उसने इंटरेस्ट चुकाया, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये जाएगा 8 और 0 से, 1 की वैल्यू 80 आ गई, तो 100 की वैल्यू बहुत ही आसानी से आएगा 8000 रुपए, इतना उसने मनी बोरो किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर, 3 साल में एक जो
मूलधन है वो 8 गुना हो जाती है, तो देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद का 64 गुना कितने समय में होगा। शुरू में मैंने क्या बताया कि जब भी ये टाइम्स की बात हो तो जितना टाइम दिया है उससे एक कम करेंगे वो हमारा एसआई देगा। तो एसआई और टाइम की हम बात करें तो एक कम करेंगे एसआई देगा 8 गुना है, मतलब 7 एसआई हो रहा है 3 साल में। 64 टाइम्स होना है मतलब एक माइक कम करेंगे 63 टाइम कितना होगा, 7 से 63 हो रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है, 9 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई यानी 27 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम एट 8% एंड 7% पर एनम। 2 इक्वल अमाउंट हैं लेकिन 8% और 7% पे उसने दिया है। इफ द फर्स्ट इज रिकवर्ड 6 मंथ बिफोर द सेकेंड, पहला जो हिस्सा उसने दिया था वो 6 महीने पहले उसने रिकवरी कर ली और उससे रिसीव हुआ है इक्वल अमाउंट ऑफ 2560, दोनों ही केस में उसे समान अमाउंट मिला है, तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा। ठीक है, अब ये सोचिए आप कि उसने जो प्रिंसिपल दिया है दोनों पार्ट में वो इक्वल है, इंटरेस्ट के बाद उससे जो अमाउंट मिला है दोनों ही केस में वो भी इक्वल है। जब प्रिंसिपल इक्वल है और हमारा अमाउंट भी इक्वल है मतलब हमारा इंटरेस्ट भी तो इक्वल होगा, तभी तो सेम प्रिंसिपल पे सेम अमाउंट मिल रहा है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट फर्स्ट जो 8% पे है वो इक्वल है 7% पे। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, PRT प्रिंसिपल दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाने तो बात किसकी होगी, रेट की और टाइम की। जब हम बात करेंगे दोस्तों तो ये -1/2 होगा, क्यों, क्योंकि ये 6 महीना पहले मिल गया है उससे। दूसरे केस में क्या है 7% है टी टाइम पे, कैलकुलेट कीजिए 80 - 4 = 70, यहाँ से टी हमारा आया 4 ईयर्स। 4 साल जो हमारा टाइम आया वो किसका आया है, 7% वाले का, क्योंकि यहाँ ये 3.5% हो रहा है, दोनों में ही इक्वल एक अमाउंट मिला हमें, तो किसी एक का कंपेयर करेंगे आंसर आ जाएगा टी 4 ईयर है। हम 7% पे अगर देखें तो ये होता है 7/100, ये है 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल का। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम 4 साल की बात करें तो प्रिंसिपल 100 है 1 साल का, 7 तो 4 साल का कितना हो जाएगा 28। अमाउंट उसे मिला मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो इक्वल हुए वो हुए हैं 128। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कितना अमाउंट रिसीव किया है उसने, 2560 इतना उसने रिसीव किया है, तो एक यूनिट कितनी हो गई यहाँ से 20, एक यूनिट 20 आ गया। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, फाइंड कीजिए 20 से मल्टीप्लाई यानी 2000, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने देखे आज की पहली क्लास में, आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो सब बाद में, पहले ही मुलाकात में सारी चीज़ें हो जाएंगी तो दूसरी मुलाकात का मज़ा क्या। ठीक है, आप लोग मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़िए ताकि वहाँ और अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, डाउट डिस्कस कर सके। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द सिंपल इंटरेस्ट के अगले पार्ट में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और खूब पढ़िए।